हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर का एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें कि हम स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कराएंगे, ऐसा प्रोग्राम हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेता हूं। हम जो भी कोडिंग करेंगे कोड ब्लॉक्स के ऊपर ही करेंगे। तो यहां लिखता हूं कोड और फिर ऊपर आपको कोड ब्लॉक्स दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, कोड ब्लॉक्स ओपन होने लगेगा। जब ये ओपन हो जाए तो फाइल पे जाइए, फिर न्यू फाइल पे जाइए और फिर एम्प्टी फाइल पे आ जाइए। अब यहां पर हेडर फाइल बना लेता हूं, हैश इंक्लूड stdio.h। देखिए स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप अपना डेटा टाइप, बहुत सारे डेटा टाइप को एक अलग से डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाइए और उसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक डेटा टाइप आपने बना लिया स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड आपको लिखना होता है, स्टूडेंट के नाम से आप एक डेटा टाइप बना लेंगे और उसके बाद उसमें अलग अलग डेटा टाइप स्टोर करा सकते हैं। जैसे आप बात करें, अगर स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर कराना है तो हमें इंट डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हमें स्टूडेंट का नेम स्टोर कराना है तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि नेम सेट ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, अगर कैरेक्टर की जरूरत पड़े तो कैरेक्टर भी ले सकते हैं। तो ये फायदा है स्ट्रक्चर बनाने का। ठीक है, इसके लिए आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रक्ट कीवर्ड तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो यहां पर स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज कर लेता हूं। तो यहां पे लिखा स्ट्रक्ट, ठीक है, और फिर यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कराएंगे और कर्ली ब्रैकेट यहां पर लगा लिया हमने। और यहां पर कैर टाइप का एक डेटा टाइप बना रहा हूं। पहले हमने एक स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा और स्टूडेंट नाम का बड़ा डेटा टाइप बना लिया, अब इसके अंदर कैर। ठीक है, अब कैर में जो वेरिएबल बनाया हमने उसका नाम रखा फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहां फर्स्ट नेम आएगा और इसकी साइज दे देता हूं। ठीक है, साइज दे देता हूं 30-40, जो भी आपको साइज देना हो दे दीजिए, देख लीजिए कि नाम कितना बड़ा हो सकता है उस हिसाब से यहां पे दे सकते हैं। तो ये दे दिया हमने 30। यहां पे इंट टाइप का डेटा टाइप ले लिया हमने और फिर यहां पे रोल नंबर, तो यहां पे लिख दिया मैंने रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर लिख दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो एक डेटा टाइप हमने बना लिया इंट टाइप का और एक बना लिया कैर टाइप का। अब बारी फ्लोट टाइप की। मैंने कहा था सारे डेटा टाइप आप इसमें स्टोर करा सकते हैं, तो यहाँ फ्लोट टाइप का डेटा टाइप ले लिया और स्टूडेंट के मार्क्स हम इसमें ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे मार्क्स हमने एक बना लिया। ठीक है, और इससे कर्ली यहाँ कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यहां पर क्या करता हूं, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूं एस। ठीक है, और इसमें साइज रख देता हूं 10। ठीक है, आप और भी रख सकते हैं, यहाँ पे 10 रख दिया साइज। ठीक है, और अब यहां पर मेन फंक्शन बनाना है हमें, तो यहां पे बना लेता हूं इंट मेन। ठीक है, और अब इंट मेन लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर यहां पे एक और वेरिएबल बनाता हूं इंट आई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब यहां पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एंटर करने की बात करनी है। ठीक है, तो यहां पे क्या दे दूंगा, प्रिंट एफ। सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि अगर कुछ भी हमें प्रिंट करवाना है तो प्रिंट एफ देते हैं। तो एंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये दे दिया हमने, क्लोज किया, बंद किया, यहां से टर्मिनेट कर दिया। तो ये हो गया एंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट। अब यहां पे फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप लगाया हमने। ठीक है, फॉर लूप लगाने के बाद आई के वैल्यू को स्टार्ट कर रहा हूं 0 से और आई लेस देन, ओनली लेस देन करूंगा, नॉट इक्वल टू, आई लेस देन 5, यानी लूप चलेगा पूरा 5 तक चलेगा लेकिन प्रिंट होगा 4 टाइम। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 5 टाइम, क्योंकि एरे का बाय डिफॉल्ट एड्रेस जो स्टार्ट करेगा एरे चलना वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया। ठीक है, और यहां पर प्लस प्लस आई कर रहा हूं, आई प्लस प्लस नहीं कर रहा मैं, प्लस प्लस आई कर रहा हूं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कर दिया हमने, लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना ली हमने। कर्ली ब्रैकेट से बनाने के बाद हम यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे एस आई। ठीक है, ये कर दिया, डॉट लगाया यहां पे, डॉट लगाने के बाद यहां पे रोल नंबर लिया है ना, तो रोल नंबर कर दिया हमने। ठीक है, और रोल नंबर दे दिया इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया। ठीक है, और इसे टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, यहां तक क्लियर है ना। अब फिर क्या करना है, प्रिंट एफ देना है। ठीक है, प्रिंट करवाना है ना, तो प्रिंट एफ देना ही पड़ेगा, तो यहां पे प्रिंट एफ देना है हमें। ठीक है, तो प्रिंट एफ में क्या देना है, एंटर द रोल नंबर, एंटर द फर्स्ट नेम, ये सब चीजें देनी है। ठीक है, तो चलिए ये देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं और इसमें क्या देंगे, कैपिटल लिखता हूं थोड़ा,
प्रिंट होके आएगा तो देखने में ठीक लगेगा, फॉर रोल नंबर वन, ठीक है। तो फॉर रोल नंबर वन लिख दिया हमने, फॉर रोल नंबर लिख दिया, और फॉर रोल नंबर लिखने के बाद यहां पे करना है परसेंट डी, ठीक है। ये थोड़ा सा गैप रिड्यूस कर लेता हूं यहां से, यहां पे करना है परसेंट डी, फॉर रोल नंबर परसेंट डी, ओके। तो यहां कर दिया हमने परसेंट डी, ठीक है। और अब यहां पर बैक स्लैश एन लगा लेता हूं, परसेंट डी करने के बाद कॉमा दे दिया और यहां पर बैक स्लैश एन लगा लेता हूं, तो ये बैक स्लैश एन लगा दिया, लाइन चेंज हो जाएगी इससे, ठीक है। और बैक स्लैश एन लगाने के बाद वैल्यू जाके कहां स्टोर होगी, एस आई में स्टोर होगी, और चूंकि हम रोल नंबर ले रहे हैं तो डॉट रोल नंबर लिख दिया, ठीक है, हो गया हमारा काम, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेट कर दिया। अब फिर यहां पे देंगे एंटर द फर्स्ट नेम, प्रिंट एफ ही देना होगा, जाहिर सी बात है, तो यहां पे दे देता हूं प्रिंट एफ, और यहां कर देता हूं एंटर द फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहां कर दिया एंटर द फर्स्ट नेम, ओके। तो ये कर दिया हमने, और यहां से इसको क्लोज करके टर्मिनेट कर देंगे, टर्मिनेट कर दिया। अब फिर क्या करना है, अब यहां पर चूंकि यूजर एंटर करेगा तो यहां पे स्कैनएफ भी लिखना पड़ेगा, तो यहां लिख देता हूं स्कैनएफ, लिख दिया स्कैनएफ कर दिया, और यहां पे परसेंट एस कर रहा हूं। परसेंट एस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि परसेंट एस क्यों यूज करते हैं, आज का ये टॉपिक स्ट्रक्चर का है तो इस पर अभी मैं बात नहीं कर रहा। यहां परसेंट एस लगा लेता हूं और यहां पे करता हूं एस आई, ठीक है, एस आई कर दिया हमने। और क्या यहां पे फर्स्ट नेम की बात है ना, तो यहां लिख दिया फर्स्ट नेम कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने कर दिया फर्स्ट नेम, ओके, और फिर इसे कर दिया टर्मिनेट, तो यहां से टर्मिनेट भी कर दिया हमने। अब बात करेंगे, अब मार्क्स की बात करेंगे, तो यहां पे एंटर प्रेस करेंगे और फिर प्रिंट एफ लगाएंगे, तो यहां लगा दिया प्रिंट एफ, ओके, एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ये दे दिया। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पर स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो ये गैप कर लिया हमने। अब यहां पे एंटर प्रेस करता हूं, यहां पे स्कैनफ, चूंकि हम इंटर करेंगे ना तो स्कैनफ यूजर एंटर करेगा, दैट्स व्हाई स्कैनफ, तो यहां स्कैनफ कर दिया हमने। और यहां पर क्या करेंगे, मार्क्स के लिए हम यहां लगाएंगे परसेंट एफ, क्योंकि हमने लिया है फ्लोट टाइप का, मार्क्स किस टाइप का बनाया हमने, वेरिएबल, मार्क्स जो है फ्लोट टाइप का है, तो दैट्स व्हाई परसेंट एफ, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है फ्लोट डेटा टाइप का, ठीक है। तो परसेंट एफ कर दिया हमने यहां पे मार्क्स के लिए, ओके। परसेंट एफ करने के बाद इसको यहां से क्लोज कर दीजिए, कॉमा दीजिए, कॉमा जैसे ही आप देंगे तो फिर यहां पर आपको एड्रेस ऑफ एस ये देना पड़ेगा, और आई चूंकि मार्क्स एंटर करा रहे हैं तो डॉट मार्क्स ये लिखना होगा, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। इतना कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट करने के बाद फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ये जो ब्रैकेट ओपन किया था इसको नीचे आके क्लोज करता हूं यहां पे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट भी कर दिया क्लोज हमने, ठीक है, और अब एंटर प्रेस करता हूं और यहां पे प्रिंट एफ एक बार फिर से लिखता हूं, प्रिंट एफ लिखा, और यहां पर हम क्या देंगे, फॉर ये कर दिया हमने, और यहां पे बैक स्लैश एन लगा लेता हूं, बैक स्लैश एन, ठीक है, और ये बैक स्लैश एन दो बार लगा लेता हूं, थोड़ा ज्यादा स्पेस कर देगा ये, अगर आप और भी ज्यादा देना चाहते हैं तो तीन बार लगा सकते हैं, या कम देना चाहें तो दो बार लगा सकते हैं, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब फिर एक लूप लगाना है हमें, तो चलिए ये लूप लगा लेते हैं यहां से, तो फॉर लूप लगाता हूं और फिर यहां पर आई की वैल्यू को स्टार्ट करता हूं जीरो से, और यहां पर आई इज लेस देन ही करेंगे, इक्वल टू नहीं करेंगे, फाइव तक चला रहा हूं, और फिर आई प्लस प्लस नहीं करूंगा, प्लस प्लस आई करूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, और लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है, तो यहां कर्ली ब्रैकेट से बॉडी बना ली लूप की हमने, और अब प्रिंट एफ लिखना है प्रिंट करवाने के लिए, तो यहां लिख देता हूं प्रिंट एफ, ये लिख दिया हमने, प्रिंट एफ लिखा, और प्रिंट एफ लिखने के बाद यहां पर बैक स्लैश एन लगा लिया, ठीक है। अब प्रिंट एफ लिख दिया है हमने,
तो सबसे पहले यहां पर क्या देना है, यहां पर देना है हमें रोल नंबर, ठीक है। तो यहां पर रोल नंबर दे दिया हमने, ठीक है, रोल नंबर दे दिया, क्लियर है। और रोल नंबर देने के बाद, रोल नंबर किस टाइप का है, यहां पर आपको याद नहीं तो देखिए ऊपर देखिए, यहां पर आपने बनाया है रोल नंबर का डेटा टाइप, तो आप देख सकते हैं इंट टाइप का है रोल नंबर, ये देख लीजिए आप, यहां पे रोल नंबर जो है इंट टाइप का है, तो रोल नंबर एंटर करेगा तो वो इंट टाइप का होगा, दैट्स व्हाई यहां परसेंट डी लगाया मैंने, ठीक है। तो यहां तक तो कंफ्यूजन नहीं होगी कोई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बैकस्लैश एन भी लगा देता हूं, बैकस्लैश एन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि लाइन चेंज होती रहे इसलिए बैकस्लैश एन भी लगा देता हूं, और यहां पर कॉमा देकर के आई प्लस वन कर देता हूं, प्रिंट एफ कर देंगे और यहां पे क्या एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम, एंटर फर्स्ट नेम, ये कर दिया हमने एंटर फर्स्ट नेम, ओके। और अब इसको डबल इंटर कॉमा क्लोज किया, टर्मिनेट किया, फर्स्ट नेम एंटर कर दिया हमने। अब यहां पे पुटेस लगा रहा हूं, तो गेटस भी बताया है, पुटेस भी बताया है, दोनों इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं मैं, तो पुटेस लगा लिया हमने। और पुटेस लगाने के बाद यहां पे एस आई कर देता हूं, ठीक है, ये कर दिया हमने, और डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, डॉट फर्स्ट नेम कर दिया हमने, क्लियर है। तो ये कर दिया हमने फर्स्ट नेम, ओके। अब फर्स्ट नेम करने के बाद इसको क्लोज करके और टर्मिनेट कर देते हैं, टर्मिनेट कर दिया। अब यहां पे मार्क्स भी एंटर कराने हैं, तो यहां लिख देता हूं प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लिखने के बाद यहां क्या करेंगे, प्रिंट एफ जैसे ही लिखेंगे तो यहां पे मार्क्स एंटर कराने हैं, तो यहां लिखेंगे मार्क्स और यहां पे दे देता हूं परसेंट, ठीक है, और यहां पे डॉट एल एफ, एल एफ ये कर दिया हमने, ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर ही है, ठीक है, तो ये कर दिया हमने। और अब यहां पे एसआई में जाके वैल्यू स्टोर होगी, और फिर डॉट मार्क्स, क्योंकि मार्क्स ही एंटर करा रहे हैं तो यहां पे मार्क्स, ओके। अब इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद टर्मिनेट करेंगे, और हम चाहते हैं कि लाइन भी चेंज होती रहे, तो प्रिंट एफ लिखा और यहां पे डबल इंटेड कॉमा में बैकस्लैश एन दे दिया, तो ये दे दिया हमने बैकस्लैश एन, और इसके बाद इसे टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद यहां पे दे देंगे रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, क्योंकि इंट मेन लिया है तो रिटर्न जीरो दे देते हैं, अगर आप मेन लेंगे तो कुछ भी नहीं देना होगा। इसको क्लोज कर दीजिए और अब इसको एक बार सेव करता हूं, st.c के नाम से इसे सेव करता हूं डेस्कटॉप पे, ठीक है। और अब यहां से इसको कंपाइल करवाता हूं, यहां पे कॉमा छूट गया है, नो प्रॉब्लम, यहां पे कॉमा बस दे दीजिए आप, एक कर्ली ब्रैकेट यहां पर भी क्लोज करना है हमें, और अब यहां से इसको सेव करना है और फिर कंपाइल करवाना है, तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा। अब इसको रन करवाने की बारी, तो यहां से इसको रन भी करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर वन के लिए पहले अपने आप रोल नंबर वन आ रहा है, ये देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर कॉमा आ रहा है, कॉमा अगर आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, चलिए इसको रन करवा लेते हैं पहले, तो कंपाइल तो हो गया है, अब इसको रन करवाता हूं, तो ये रन करवा दिया हमने। अब यहां पे कह रहा है एंटर द फर्स्ट नेम, तो स्टूडेंट का पहला नाम एंटर करता हूं, तो राम एंटर कर दिया हमने पहला नाम, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब क्या कह रहा है, एंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां स्टूडेंट्स कर दिया हमने, ये स्टूडेंट होगा, यहां पे स्टूडेंट्स कर दिया था मैंने, तो ये स्टूडेंट ही होगा। अब यहां से रन करवाता हूं, फिर से आ जाते हैं, तो यहां पे राम कर दिया हमने, आर ए एम राम, एंटर प्रेस किया। अब यहां पे एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो मार्क ही होगा क्योंकि एक ही सब्जेक्ट लिया हमने, 67 हो गया। अब यहां पे कह रहा है रोल नंबर टू, एंटर द नेम, तो नेम कर दिया हमने, यहां पे लिख दिया परवेज, ठीक है, एंटर प्रेस किया। और यहां पे देख सकते हैं एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो यहां पे मार्क्स 78 कर दिया, ठीक है। अब फिर रोल नंबर थ्री कह रहा है, तो रोल नंबर थ्री का यहां पे एंटर करते हैं, तो यहां पे लिख दिया मैंने ईशा, और यहां पे स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो एंटर करना है, तो 89 कर दिया, एंटर प्रेस किया। रोल नंबर फोर के लिए,
तो यहां पे कर दिया दुर्गेश और यहां पे मार्क्स, तो यहां पे कर दिया 87। और इसी तरह से रोल नंबर 5 के लिए विवेक और यहां पे स्टूडेंट के मार्क्स 90। तो यहां पे देख सकते हैं ये सबके मार्क्स इसमें स्टोर हो चुके हैं। इस तरह से करके आप, उम्मीद करता हूं स्ट्रक्चर का ये प्रोग्राम आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।